नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मछली के चिन्ह के साइन के बारे में, ये पार्ट टू का भाग होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बन जानी थी, ये पार्ट में नहीं कवर होना था, इस करके ये पार्ट टू में हम बना रहे हैं। और ये पार्ट टू हम अपने माउंट के ऊपर बना रहे हैं कि किस माउंट पर क्या प्रभाव देती है। वैसे जीवन में देखें तो ये फिश साइन धन दौलत पैसा मान सम्मान यात्राएं सब कुछ देते हैं, किस माउंट पे क्या प्रभाव डालता है। ये मछली का साइन जो है बड़ा शुभ माना जाता है। वैसे तो कहते हैं कि जीवन में अगर आपके हाथ पे मछली का चिन्ह है तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, और ये किस पर्वतों पर क्या फल देता है उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से एक आपको नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के जीने की कला के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। जैसे कि हमने अभी पीछे जिक्र किया था पार्ट वन में, अब ये पार्ट वन में जो अगले पर्वतों के ऊपर क्या प्रभाव डालती है उसके बारे में आपको हम यहां पर एक एक पर्वतों के ऊपर पुनः आपको फिश साइन का क्या महत्व होता है उसको बतलाते हैं। अब ये मंगल के साइन, ये मंगल का क्षेत्र है, इसको हम मंगल का क्षेत्र बोलते हैं। मंगल के क्षेत्र के ऊपर यहां पे अगर फिश साइन ऐसी बन जाए, फिश साइन अगर क्लियर बनती है, फिश साइन का मतलब है कि जितनी क्लियर, जितनी साफ होगी और जितनी परफेक्ट बनेगी, ये मंगल के ऊपर ये आपको जमीन दिलाती है, अधिक मात्रा में जमीन दिलाती है। और जितनी बड़ी ये फिश साइन होगी उतने बड़े जमीनों के आपके मालिक बना देगी आपको, और उस जमीनों को बेचकर जमीन और अधिक खरीदते हैं। ऐसे लोग कह लो कि जमीनों का कारोबार या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो जीवन में बहुत अथाह धन कमाते भी हैं और प्रॉपर्टी बनाते भी हैं। इसी प्रकार से ये बुध का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत, बुध का पर्वत हमारे बिजनेस के बारे में बताता है। अगर यहां पे एक फिश साइन बन जाए, फिश साइन बन जाए, ये सिर्फ बिजनेस की कला को सिखाती है, बिजनेस सेंस कैसे, बिजनेस सेंस को बढ़ा देती है। एक आदमी है कि किसी काम को बार बार समझाने पे भी नहीं समझ पाता है, लेकिन अगर आपके इस मरकरी वाले माउंट के ऊपर, बुध के माउंट के ऊपर ये फिश साइन बनती है, ऐसे लोगों को थोड़ी सी बातें आप एक्सप्लेन कर दे, थोड़ी सी चीजें आप बता दे, ये पहले उस चीज को समझ जाते हैं, मतलब कह लो कि एक्सपर्ट होते हैं। बुध के क्षेत्र पे अगर ये मछली के साइन बनी है तो ऐसे लोग बिजनेस के या किसी भी अध्ययन को देख लो, इनका माइंड बड़ा तेज होता है, और ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान वाले होते हैं, और ऐसे लोग अपने उस बिजनेस को समझने में एक्सपर्ट होते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, और मास्टरमाइंड बन जाते हैं। इसी प्रकार से ये सन की फिंगर है, सन की फिंगर के ऊपर अगर यहां फिश साइन बनती है, ये सन की फिंगर के ऊपर सबसे बड़ा बेनिफिट यहीं पे मिलता है। ऐसे लोगों का नेम फेम, पैसा, पैसा तो मिलता ही है, पैसे के साथ नेम फेम मिलता है, ऐसे लोग जीवन में अथाह धन कमाते हैं। और हस्तरेखा में तो इसका विशेष महत्व बताया गया है, अगर यहां पे फिश साइन बनती है तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, नेम फेम के साथ पैसा धन मान सम्मान ये सारा कुछ यहां पे देती है। और सबसे ज्यादा अगर
प्रभाव दिखाती है तो सन के माउंट के ऊपर ही दिखाती है। इसका फल यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसी प्रकार से सनी माउंट के नीचे फिश का साइन। अभी अगर ये फेट लाइन से जुड़ी हुई है के साथ जुड़ जाती है, इसका कम्युनिकेशन बन जाता है। भाग रेखा के साथ अगर फिश साइन जुड़ के बनती है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मेहनत के साथ पैसे कमाते हैं, पसीने निकलवाती है। ऐसे लोग काम करके इतना एक्सपर्ट बन जाते हैं, इनको मछली की साइन इतना सुप्रभाव यहां पे दिखाती है कि ऐसे लोग अपने काम को करने के लिए इतने तत्पर होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि अपने काम के पीछे हिम्मत लगा देते हैं और जीवन में पैसे की अधिकता बनती है, लेकिन मेहनत भी ज्यादा करवाती है, जितना मेहनत उतना पैसे कमवाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।